सो हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से खेलने वाले हैं द सेम गेम नेम RC24। और गाइज ये वाला मैच प्लेटिनम 4 के बंदे के साथ मेलबर्न के ग्राउंड में होने वाला है। और गाइज ये लो स्कोरिंग मस्त मतलब कि इंटरेस्टिंग मैच है, तो गाइज आपको ये देखना चाहिए। आपको गाइज में एक दो बहुत ही तगड़े तगड़े शॉट देखने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे फाइनली देखते हैं, टॉस का टाइम है, हमने टॉस करी है और अपोनेंट प्लेटिनम 4 पे था, तो हमने सोचा कि यार चलो सबसे पहले बॉलिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेलबर्न के ग्राउंड में मेरा एक्सपीरियंस वैसे ही बहुत कम है। हालांकि चलो देखते हैं होता क्या है। फिलहाल यहाँ पे दो बल्लेबाज आ चुके हैं, रेडिकल टाइप के बल्लेबाज थे, तो हमने सोचा था यार पूरा लेंथ के करीब बॉल को रखेंगे। फील्ड हमने थोड़ी सी सही रखी थी और देखते हैं किस, क्योंकि भाई मेरा ये प्लान इसलिए था क्योंकि अपोनेंट के पास 4-4-3 नहीं था, इसलिए गाइस हमने फुलर लेंथ वो चुना था पावर प्ले के अंदर। और देख लो यहाँ पे शॉट अच्छा खेला है। मेलबर्न ग्राउंड है तो यहाँ पे 1-2-3 रन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से 2-3 रन पूरे हो जाते हैं अगर आप गैप में खेलोगे तब। यहाँ पे आराम से भाई रन कर रहा है अपोनेंट। अब देखते हैं, हमने एक बीच में नो बॉल डाल दी थी, मतलब हो जाता है यार कभी कभी। फिलहाल यहाँ पे हमने फुलर लेंथ पे एक और डाली है, इस बार शॉट कड़क है भाई, लेकिन वहाँ पे हमने फील्डर लगा रखी। इस फील्ड पे फुलर लेंथ पे अगर आप बॉलिंग करते हो तो किसी ने भाई कोई भी बंदा क्यों ना उसको रिस्क लेकर के ही खेलना पड़ेगा। वो रिस्क लेगा उसके बाद ही रन बनाएगा और उस रिस्क में अक्सर विकेट में गिर जाते हैं और सामने वाले बंदे के साथ कोलैप्स हो जाता है। तो गाइस इस तरह से आप खेल सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे ही बड़े हिट करने की कोशिश करी अपोनेंट सीधे बोल्ड हो गया। यही भाई आपको स्ट्रैटजी अपनानी चाहिए जब भी रेडिकल टाइप के बैट्समैन आए। एक बात का ध्यान रखना है पावर प्ले के अंदर, पावर प्ले के बाद आप कर सकते हो किसी भी गेंदबाज मतलब किसी भी टाइप के बैट्समैन के सामने। फिलहाल यहाँ पे गैप में गई है गेंद, चौका मिल जाएगा, बहुत अच्छी शॉट, बहुत बढ़िया से भाई इस बार टाइमिंग करी थी हमने। गाइज एक नई एक्सपेरिमेंट करी थी क्योंकि गाइज हमने सोचा चलो एक बार हैंगरगर को लेके आते हैं। पावर प्ले में हैंगरगर कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन हमने सोचा था चलो एक बार ट्राई करते हैं और हमारी ट्राई पूरे तरीके से बेकार हो गई। पहले बॉल पर ही चौका पड़ गया था, लेकिन अभी भी गाइज हमने सोचा था 5 गेंदें हमें वापसी करनी पड़ेगी 1-2 विकेट निकाल करके, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इस बार रिवर्स गेंद नहीं होती तो कनेक्शन हो जाता और मे बी विकेट भी मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं। इस बार फिर से हमने स्लोअर में डाल के थोड़ी सी गलती कर दी, अपोनेंट पोजीशन कर लिया, वेट किया और शानदार शॉट खेला, बॉल गई बाउंड्री के बाहर। बहुत हद तक सही शॉट खेल रहा है अपोनेंट और इसी के साथ 21 रनों तक पहुँच चुके हैं। अभी भी पावर प्ले के 2 गेंदें बाकी है। इस बार गाइस हमने फुल लेंथ पर रिवर्स डाली और बंदा सही शॉट खेला, टाइमिंग नहीं दे पाया और इसी के साथ विकेट चला गया। तो गाइस यहाँ पे आखिरकार हैंगरकर ने विकेट दिला दी है, रन ज़्यादा नहीं पड़े इनको कुछ मिला के देखा जाए तो। और गाइस यहाँ पे आखिरी गेंद करने वाले हैं हैंगरकर, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन देख लो ये समाप्त क्योंकि टाइम छक्का लगाकर भाई हैंगरकर को थोड़ा सा महंगा जरूर कर दिया है। बहुत अच्छा शॉट खेला अपोनेंट ने लास्ट बॉल पे, पहले ओवर के भी लास्ट बॉल पे और दूसरे ओवर के भी लास्ट बॉल पे। पावर प्ले तो खत्म हो चुका है, 27 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। अब गाइस यहाँ पे पहली गेंद जो होगी वो कैरम होने वाली है, देखते हैं क्या होता है। पहली गेंद शॉट अच्छा है, बहुत सही शॉट खेला यहाँ पे, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, 2 रन मिलेगा यहाँ पे आसानी से। और गाइस इसी के साथ 32 रन बन चुके हैं इसके। अब देखते हैं गाइस 3 गेंदे आखिरी, इस ओवर की राधा कृष्ण की 3 गेंदे कैसी रहती है। इस बार बिल्कुल यहाँ पे टाइमिंग ही नहीं कर पाया अपोनेंट, बल्ले से कनेक्शन नहीं बना, बल्ला पहले चल गया और इसी के साथ गाइस ये डॉट बॉल हुआ है, हालांकि आउट नहीं था। इस बार देखते हैं रिवर्स के, सॉरी गाइस कैरम बॉल है और शॉट देख लो, बड़ा हिट करने की कोशिश कर रहा अपोनेंट बार बार, लेकिन यहाँ पे विकेट जाता हुआ। अब आए हैं बटलर साहब, ये हैं हमारे चौथे गेंदबाज हमारे मैच के। और भाई इस बार हमने पूरे तरीके से अपनी जो बॉलिंग स्ट्रैटजी थी पूरा एक्सपेरिमेंट करी थी और कहीं ना कहीं अपोनेंट को परेशान करने में अब तक तो हम कामयाब हुए थे। और गाइस प्लेटिनम 4 पे अभी के टाइम में होना बहुत बड़ी बात है यार, कुछ ना कुछ तो भाई जल्दी देखते हैं। इस बार स्लोअर वंस हमने डाली है और अपोनेंट अगर अच्छा खेलेगा तो यहाँ पर रन आ सकता है, हालांकि नहीं, पोजीशन गलत था भाई का। यहाँ पे अगर आपको मैं बता दूँ तो 231 शॉट आप रख लेना, ठीक है। और यहाँ पे ओवर थ्रू की वजह से 4 रन गिफ्ट दे दिए हमने, क्योंकि भाई नशे अलग हैं इस बार, देखते इस गेम के सस्ते नशे ही अलग हैं। बढ़िया शॉट खेला है, डायरेक्ट हिट की कोशिश रहेगी, लेकिन मेलबर्न में डायरेक्ट हिट का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है और देख सकते हो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब यहाँ पे शोडी साहब आए और इनसे उम्मीद है कि थोड़ी सी किफ़ायती गेंदबाजी करें आखिरी ओवर में, क्योंकि 12 रन पड़ गए तो 60 रन हो जाएगा और उसको चेस करना मुश्किल हो जाएगा, मतलब मुश्किल मेलबर्न में थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। और भाई एक लेग स्पिनर अपने टीम में आप हमेशा रखना, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो होते हैं ना पावर प्ले के बाद इनका इस्तेमाल करना बहुत अच्छा साबित होंगे अगर कोई बंदा का टाइमिंग या फिर दिन अच्छा नहीं रहा तो। बहुत बढ़िया के मतलब बॉलिंग कर सकते हैं, अच्छे बॉलिंग करेंगे, लेकिन पावर प्ले के बाद। इस बार गाइस फ्लीपर है, शॉट बढ़िया खेलने की कोशिश,
लेकिन फील्डर हैं और कैच पकड़े जाएंगे। 5 गेंदें दौड़ लगातार गाइज, एकदम अपोनेंट की वाट लग चुकी है। अब गाइज ये आखिरी गेंद होने वाली है, क्या इस पे अपोनेंट चौका लगाएगा? लेग स्पिन 431, नहीं भाई, खेल दिया वहीं शॉट और यहाँ पे मिल गया चौका। 52 रन बने हैं अपोनेंट के 5 ओवर में, तो कहीं ना कहीं गाइज जब हमें चेस करने हैं 53 रन, तो गाइज थोड़ी सी तो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कोई बात नहीं, नामुमकिन नहीं है, आराम से चेस हम कर सकते हैं। लेकिन अपोनेंट की बॉलिंग कैसी रहेगी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है। और इसके पास गाइज स्वेप्शन है, राधा कृष्ण नहीं गाइज, लेकिन विलियम्स हैं। ऊपर से गाइज हम बता दें आपको कि स्वेप्शन के साथ साथ हैंगरकर भी हैं, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग भाई की बहुत तगड़ी है। फिलहाल कोई बात नहीं है, तगड़ी बॉलिंग पे ही बैटिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है। इस बार गाइज हम ट्रेडमार्क के लिए तैयार थे और खेल दिया है बहुत हद तक सही तरीके से। यहाँ पे मिलेगा चौका, यहाँ पे बहुत शुरुआत ही हमने करी है ट्रेडमार्क के साथ। और ट्रेडमार्क भाई इस बार देखते हैं, पीछे खेला हमने, ये तो भाई 220 नंबर का शॉट है, लेकिन यहाँ पे देखना है। इस बार देख के भाई लिटरली यार इसका तारीफ तो करना बनता है, गजब का सिक्सर लगाया इस शॉट से हमने। इस बार देखते हैं, फिर से तैयारी थी और तैयारी थी तो बॉल बाउंड्री के बाहर भी जाएगी, चौका मिलेगा यहाँ पे। पहले ओवर से 18 रन पे हमने ख़त्म करी है। अब गाइस यहाँ पे ऑफ स्पिनर गेंदबाज हैं, हमने ट्रेडमार्क की तैयारी करी थी और कनेक्शन भी बनेगा, मिलेगा पूरे के पूरे 4 रन। 22 रन बन चुके हैं, एक भी विकेट हमारा नहीं गया। इस बार यॉर्क लेंथ पे बॉल, पीछे गैप है, हमने खेला बढ़िया शॉट और मिल गया चौका। बिल्कुल गाइस, इस शॉट अगर आपके पास नहीं है तो रख लो, इस शॉट को परचेज कर लो और स्पिनर के प्रीशेट में डाल लेना। यहाँ पे हमने सोचा था चौका मिल जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा रन लेने की कोशिश नहीं करे थे, लेकिन क्या ही बोला जाए, यहाँ ग्राउंड ही अलग है भाई। मेलबर्न में अपनी पूरी आइडिया ही नहीं है उतनी अच्छी खासी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नहीं। इस बार सीधे हाथ में और विकेट जाता हुआ हमारा। और गाइस प्रियम गर्ग 7 में 18 बना के लौट गए पवेलियन। शताब खान भाई इसकी मैं बता रहा हूँ भाई, अलग लेवल की इसकी मतलब बॉलिंग थी यार, तगड़ी लेवल की बॉलिंग। नौशिम शाह, शताब खान, स्वेप्शन, हैंगरकर, अलग लेवल था भाई। इस बार देखो ये शॉट, पीछे खेला हमने, अगर बंदा नहीं होता तो चौका मिलता है यहाँ पे, हालांकि कोई बात नहीं। अभी गाइस हम 31 बना चुके हैं, 31 के बाद ये शॉट अड़िया है, 363 की कोशिश, लेकिन 2 ही रन मिल पाएगा और 33 रन हम बना चुके हैं। जीत के धीरे धीरे हम करीब पहुंचते हुए देखते हैं कितने ओवर में हम जीत पाते हैं। नासिम शाह आए हैं अपनी तीसरी मतलब कि सीनिंग की चौथी ओवर लेकर के, पहली बॉल तगड़ा हिट करी हमने, बहुत बढ़िया शॉट खेला, चौका मिलेगा यहाँ पे। अब गाइस देखते हैं नासिम शाह, इस बार शॉट हम खेलेंगे बढ़िया है भाई। ये पिछली गेंद जो थी वो नो बॉल थी, जिस वजह से यहाँ पे हमारा कैच जरूर गया था, लेकिन परफेक्ट पे गाइस कैच गया था, वो भी आसान तरीके से। आप समझ सकते हो भाई मेलबर्न के नशे, बहुत लंबी ग्राउंड है यार, नशे की क्या ही बोला जाए। इस बार शॉट अच्छा है भाई, थोड़ी सी हमने पोजीशन सही करी और चौका निकाला, बहुत बढ़िया। अब गाइस यहाँ से देखते हैं, 46 बन चुके हैं हमारे, और इस बार 500 गोल शॉट, इसी की कसर बाकी थी क्योंकि उधर फील्डर था नहीं, हमने अर्ली खेला, चौका मिला और 50 रन पूरे हो गए हैं गाइस। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ी सी गाइस बल्ले का इनसाइड एज तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी साइड में लगी और टाइमिंग नहीं कर पाए, हम ज़्यादा अर्ली कर बैठे थे और इसी के साथ विकेट गवाए हैं हैंगरकर। और इनके सामने बल्लेबाजी करना, ओ हो भाई कटर डाल दी थी अपोनेंट ने, कटर या रिवर्स थी भाई आप बताना कमेंट में। इस बार शॉट देखो, पीछे खेला, 2 रन भागेंगे और इसी के साथ गाइस हम इस मैच को जीत चुके हैं प्लेटिनम 4K बंदे के अगेंस्ट। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो गाइस तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी अभी फ्री टूर्नामेंट होने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, खेलना चाहो तो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की।